बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं इंजीनियर कार, मेरा ताल्लुक सोलर टेक सॉल्यूशन से है। सोलर टेक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है आपको रेजिडेंशियल, कमर्शियल और एग्रीकल्चर सोलर सॉल्यूशन, और इसके लिए हमारे पास बैटरीज़ की वाइड रेंज अवेलेबल है। बैटरीज हमारे पास लेड एसिड बैटरीज, ड्राई बैटरीज, लिथियम आयन बैटरीज़ अवेलेबल हैं। उसके अलावा जेल पॉलीमर बैटरीज भी हमारे पास पाई जाती हैं। व्यूअर्स, जो आज आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ, ये जो पिछली वीडियोस हमारी उसी सीरीज़ का हिस्सा है। जैसा कि आपको मालूम होगा, हम मुख्तलिफ़ बैटरीज़ का डिस्चार्ज टेस्ट जो करते रहते हैं, तो डिस्चार्ज और चार्जिंग में एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है सी रेटिंग बैटरी का। आज हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि सी रेटिंग होती क्या है और किस तरीके से बैटरी के ऊपर इम्पैक्ट करती है और किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद एक टेस्ट बैटरी को लेकर हम सी रेटिंग को कैलकुलेट करेंगे और इसका इफेक्ट देखेंगे मुख्तलिफ सी रेटिंग के ऊपर, इसका बैटरी के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। तो आज की वीडियो इसी पर होने वाली है और आज की वीडियो काफ़ी दिलचस्प होने वाली है। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आ जाए इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे शेयर भी कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो टाइम वेस्ट किए बगैर बढ़ेंगे हम आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले आप लोग ये जरूर जानना चाहेंगे सी रेटिंग से मुराद क्या और सी रेटिंग होती क्या है। ठीक है, जो बैटरी का चार्ज और डिस्चार्ज रेट है उसको बैटरी की सी रेटिंग ही कंट्रोल करती है। और अगर आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो बैटरी जिस करंट से या जिस रेट से चार्ज या डिस्चार्ज होती है वो हमारे पास बैटरी की सी रेटिंग होती है। तो जैसा कि आपका मालूम होगा कि बैटरी की जो कैपेसिटी है वो 1C रेट पर शो की जाती है। तो इसका मुराद ये है कि अगर एक 10 एम्पीयर आवर की बैटरी है, अगर वो 10 एम्पीयर एक घंटे के लिए देते हैं, इसका मतलब ये 1C रेटेड। अगर वही 10 एम्पीयर की बैटरी को हम डिस्चार्ज करें 0.5C रेटिंग पे, तो इसका मतलब है कि 5 एम्पीयर देगी 2 घंटे के लिए। और इसी तरीके से अगर हम सी रेटिंग को बढ़ा दें, यानी अगर एक बैटरी जो है 2C रेटेड है, तो इसका मतलब है कि वो 20 एम्पीयर दे सकती है, लेकिन इस केस में जो टाइम है वो कम हो जाएगा, यानी 30 मिनट हो जाएगा। तो सी रेटिंग बहुत ही ज़रूरी है, इससे बैटरी की जो कैपेसिटी है और उसके जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की सलाहियत है उसका पता चलता है। ठीक है, तो इसका जानना, सी रेटिंग का जानना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जो बहुत सी बैटरीज जो होती हैं जो अवेलेबल है हमारे पास, उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है डिपेंड करती है कि किस स्पीड से वो बैटरी चार्ज होती है और किस स्पीड से उसके अंदर से डिस्चार्ज करंट जो वो निकलता है, बैटरी डिस्चार्ज होती है। तो सी रेटिंग इस हवाले से बहुत ही अहम है। अच्छा, बैटरी के हवाले से दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, एक सी रेटिंग और दूसरा उसका सर्विस टाइम। सर्विस टाइम से मुराद है वो टाइम जिसमें बैटरी चार्ज होती है या डिस्चार्ज होती है। तब मिसाल के तौर पे ये आपके सामने मैं एक चार्ट शो कर रहा हूँ, इसमें डिफरेंट सी रेटिंग लिखी गई हैं और इसके साथ साथ है मुख्तलिफ टाइम जो है सर्विस टाइम मेंशन है। तो यहाँ पर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे जितने भी बैटरीज हम यूज़ करें, जो भी रेटिंग यहाँ पे आपके सामने मेंशन है, तो उसके सामने आप देख सकते हैं कि एक टाइम भी मेंशन है जो कि उस सी रेटिंग के अकॉर्डिंग जितनी देर के लिए बैटरी चलेंगे उसको शो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर जो हायर सी रेट होगा, यानी वो बैटरी जो हायर सी रेटेड होगी, उसमें कुछ लॉसेज होंगे उसके कैपेसिटी में। उसकी वजह यह कि उसमें जब बैटरी हाई करंट पे डिस्चार्ज हो रही थी, तो कुछ एनर्जी जो इसमें वो हीट लॉसेस में चली जाती है, जिसकी वजह से उसकी बैटरी अप्रॉक्सीमेट 5-10% जो है कैपेसिटी उसकी डिक्रीज हो जाती है। इसकी वजह से जो हायर सी रेटेड बैटरीज़ हैं उनकी कैपेसिटी या टाइम अगर आप देखेंगे वो कम होगा। तो यहाँ इस चार्ट से भी आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं, ये कंसिडर कर लें कि हमारे पास अब एग्ज़ाम्पल के तौर पर 50 एम्पीयर आवर की बैटरी है, तो अगर वो 30C रेटेड पे रेटेड है तो वो तकरीबन 2 मिनट चलेगी। ठीक है, और अगर वो 20C पे है तो इसका मतलब 3 मिनट चलेगी। 10C पे इसी तरीके से 6 मिनट है। अब ये 6 मिनट, 3 मिनट या 2 मिनट, जैसे भी मैंने आपको बताया है, तो ये उसका सर्विस टाइम है, और उसके सी रेटेड के गैस जो उसका सर्विस टाइम या जितनी देर में वो चार्ज या डिस्चार्ज होगी वो टाइम आपके सामने लिखा। अगर वही बैटरी जो है 1C पर हम उसको करेंगे तो वो 1 घंटा जो है चलेगी। बैटरी मैनुफैक्चर, बैटरी बनाने वाले हैं, वो हमेशा बैटरी को 0.05C पर रेट करते हैं, या उसको 20 घंटे के डिस्चार्ज पर उसकी कैपेसिटी को लिखा जाता है। तो जो भी हमारे पास लेड एसिड बैटरीज होती हैं या अल्कलाइन बैटरीज होती हैं, तो वो 0.05C रेटेड पर उनकी कैपेसिटी को मैन्युफैक्चर की तरफ से शो किया जाता है।
क्योंकि लेड एसिड बैटरी की 100% जो कैपेसिटी है वो नहीं अचीव की जा सकती यहाँ पे, या उसके मुख्तलिफ रीज़न हैं। उसकी वजह यह है कि जब हायर डिस्चार्ज हो रहा था उस केस में जो बैटरी की कैपेसिटी वो डिक्रीज़ होती है हीट लॉसेस की वजह से। अच्छा, अब सी रेट कैलकुलेट करने का मैं तरीका भी आपको बता देता हूँ किस तरीके से मैन्युफैक्चरर इस सी रेट को कैलकुलेट कर ले हैं। तो सी रेट, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया, सी रेट हम डिफ़ाइन कर सकते हैं ऐसा टाइम जो बैटरी के चार्ज या डिस्चार्ज होने के लिए चाहिए हो सकता है। तो हम सी रेट को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, और इससे होगा क्या कि वो टाइम जो हमारे पास है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा जो बैटरी को चार्जिंग या डिस्चार्जिंग के लिए चाहिए होता है। तो सी रेट का बहुत गहरा ताल्लुक है टाइम के साथ। एक 1 सी का मतलब होता है 60 मिनट, और 0.5 सी से मुराद है 120 मिनट। इसी तरीके से जो 2 सी रेटिंग है वो इक्वल होगी 30 मिनट का। तो इसका फार्मूला बहुत ही सिंपल है। अगर टी को हम टाइम कंसिडर कर लें और सी आर से मुराद सी रेट है, तो फार्मूला इसका निकालने का अगर हमने टाइम में निकालना है तो टाइम में आ जाएगी 1 ओवर CR, यानी सी रेटिंग इससे टाइम निकल आएगा। और अगर इसमें इससे जो निकलेगा वो हमारे पास आर में होगा। अगर आप उसको एवेल्युएट करना चाहते हैं मिनट्स में, तो आपको पता होगा कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो इसी तरीके से आप लिख सकते हैं इक्वल 60 मिनट डिवाइडेड बाय सी रेटिंग ऑफ द बैटरी। अब यहाँ पे हम मिसाल के तौर पर 0.5 सी रेट ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपके 3 एग्जाम्पल उसको शो करूँगा, और इसमें जो बैटरी मैं यूज़ करूँगा और कंसिडर करूँगा 2600 mAh का जो लिथियम आयन का सेल होता है उसको कंसिडर कर लें, जो कि 3.7 वोल्ट पे होता है और 2600 mAh होता है, ठीक है। इसको लेकर हम चलेंगे। अच्छा, सबसे पहले जो है हम 2600 mAh के एक सेल ले रहे हैं, तो इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो हमारे पास एम्पीयर आर में 2.6 एम्पीयर आ जाएगा। अगर यही सेल है 0.5 सी रेटेड है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 सी से, तो हमारे पास जो आ जाएगा 1.3 एम्पीयर जो अवेलेबल है सेल के अंदर। तो अगर हम 1.3 को डिवाइड कर देंगे 0.5 सी से, 2.6 आवर्स आ जाएंगे, तो जो है 156 मिनट बनता है। तो ये एक एग्जाम्पल होगी हमारे पास 2600 mAh का सेल है अगर वो 0.5 सी रेटेड है। और अगर इसी को ले लें हम वो 2 सी रेटेड है, तो उस केस में 2600 को हम 1000 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास 2.6 एम्पीयर आ जाएगा। और अगर 2.6 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो अवेलेबल एम्पीयर आ जाएंगे। और अगर इसी को डिवाइड कर दें 1 डिवाइडेड बाय 2 सी 0.5 आर, यानी ये तो ये हमारे पास 30 मिनट जो है चलेगा। और अगर इसी तरीके से हम इसको 30 सी रेटेड कंसिडर कर लें, यानी एक 2600 mAh का सेल है वो 30 सी रेटेड है, तो अगर हम उसको 1000 से डिवाइड करें हमारे पास 2.6 एम्पीयर आ जाएंगे। और 2.6 को अगर 30 सी से करें, हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 70 से अबव एम्पेयर आ जाएंगे अवेलेबल है। तो अगर वो 2 सी से रेटिंग मतलब 2 मिनट के अंदर वो 70 एम्पेयर जो है प्रोवाइड कर सकता है, ये उसकी 30 सी रेटिंग है। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको सी रेटिंग समझ आ गई होगी। अगर अब इससे रिलेटेड आपका किसी किस्म का क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगी, इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे आगे भी शेयर कर दीजिएगा। और व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।